सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माई लाइफ। तो गाइज, आज है संडे और मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ चुका हूँ। एक्चुअली रात को एक्साइटमेंट बहुत थी आज की रेड के लिए। सुबह सुबह मेरे फ्रेंड का भी फोन आ गया, उसने मुझे उठा दिया और उसने उठाने में मेरी मदद की है। और आज की हमारी रेड है खटकर कलां, जो कि नवाशहर के पास एक एरिया पड़ता है, जो कि हमारे जो शहीद भगत सिंह जी है वो उनका एरिया है। तो वहाँ पर उनका म्यूजियम भी है और वहाँ की हमने आज राइड ऑर्गेनाइज की है। तो आज हमने जो लोडोवाल टोल प्लाजा है वहाँ पर हमने अभी गेट टुगेदर होना है। तो 5:30 बजे का टाइम था, अभी 5:16 मिनट हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं निकलना पड़ेगा मुझे, बिकॉज काफ़ी सारे कुछ बाइकर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ बाइकर्स आ रहे हैं। और मतलब 5:30 बजे तो हमने वहाँ से अपनी बाइक की स्टार्ट कर देनी है और बस भगा लेनी है। सो लेट्स गो। तो यार बाइक हो चुकी है स्टार्ट और अभी हम जा रहे हैं। सुबह सुबह एक्चुअली ना बाइक को घर से निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज एक तो बाइक थोड़ी सी भारी है और दूसरा घर में ना गाड़ियां वगैरह खड़ी रहती है उधर, तो जगह नहीं बचती। और उसको अभी नीचे रख के मैं निकाल रहा हूँ। तो बाय बाय लग गया ठीक है बात का। चलो बस थोड़ी देर में अभी मैं पहुंच रहा हूँ समराला चौक, बिकॉज मेरा फ्रेंड सागर और अमितोज वो दोनों पहुंच चुके हैं वहाँ पे, और बस मैं भी पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसी लग रही है बाइक कुछ हमारी, और ये सागर मेरा भाई, और की हाल है? की हाल है? बहुत ठीक है। तो ये सागर की डोमिना, ये भी काफ़ी सेक्सी बाइक है यार, टूरिंग के लिए बहुत सुंदर बाइक है, आप देख सकते हो। और ये हमारी ब्यूटी खड़ी, इसकी अभी लाइट्स बंद कर देता हूँ। तो अभी एक और बंदा रह गया हमारा अमितोज, वो भी बस पहुंच गया है, पास में ही है बस स्टैंड के पास। और उसके बाद फिर हम चलते हैं यार, बिकॉज 5:30 बजे का टाइम था और 5:30 से तो ऊपर ही टाइम हो चुका है। आई थिंक जो बाकी के लोग हैं वो शायद अभी आ ही रहे हैं, बाकी अभी गए तो नहीं होंगे, इतनी उम्मीद है मेरे को। गजब बेइज्जती है। और बाकी अमितोज का फ़ोन आ गया यार, अभी मैं आपसे बात करता हूँ। तो अमितोज आ गया हमारा भाई, और कितना बस ठीक है। मैं क्या जब मैं इधर आ रहा था, कोई बाइक गई है इधर नू, मैं क्या ये R15 लग रही थी, तो पता नहीं मैं क्या अमितोज होना, मैं क्या पर उन्होंने तो मैं उधर बुलाया सीगा। तो यार ऐसा है, कुछ बाइक आज हमारे साथ दो, और अभी हम वहाँ पर, अभी तो हमने वहाँ पर भी मिलना है काफ़ी लोगों से, तो चलते हैं जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। चलो यार चलते हैं, अब अमितोज तो आ गया। आयो आयो यार, सुबह का नज़ारा बहुत सुंदर है यार, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये डोमिना R15 दोनों सेक्शन मिलती और ये भी सेक्शन मिलती। तो यार फाइनली आ गए हम। सो गाइस अभी हम मिल चुके हैं सभी से, तो सभी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो कुछ और बाइक्स आ रही हैं और यार सुबह का यार व्यू देखो यार कितना सुंदर है यार, वो शिव जी की मूर्ति बनी हुई वो देखो। और यार एक बाइकर का टायर पंचर होया पे, हाँ वो है पीछे, उसके करके थोड़ा जहा वेट हो रहा है, हाँ जितना ही आता फिर चलते हैं। तो यार फिलहाल बाइक, भाई की बाइक का जो टायर है वो पंचर हो गया यार, आप देख सकते हो भाई पंचर बनवा रहा है, तो थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी अभी आप इसे चेक करो यार, यार सेक्सी की नहीं लग रही ना यार,
कैंट बोल लगती है ना जैसर एनफील्ड कौए को देखो और सागर फोन देखिए देख रहे तो कहीं मड़ा जाए अच्छा फोन कर रहे पर्दा फाश हो जाएगा मैं क्या वापस जल्दी आना वापस भी जल्दी आ जाएंगे है ना 9-10-11 बजे तक किसे टार मतलब हम चल रहे हैं चलो हाँ सही गल एंजॉय कर रहे हैं हाँ पता कि वो तो गल ठीक है बट ना है कि जॉब मैं हॉस्पिटल लाइन चा ना तो मेरी जॉब हैगी है मेरे फ्रेंडों भी जॉब होंगी है चले गए सीट पे अच्छा इधर डिग गया कि इधर डिग गया पता नहीं वो एक मैं गिरता देखा चलो कोई नहीं ये भी गिर गया अभी हमारा बाइक मोटरसाइकिल और हमारा हेलमेट भी सीट से गिर गया है ना ना मेरी गाड़ी ठीक है पीछे नू कि अगे नू ये मेरे क्या लास्ट साइड नीचे अच्छा स्क्रैच पे काफी तो अभी हम चलते हैं तो बाइक की गाड़ी का पंचर हो गया ठीक पता नहीं पंचर निकला या नहीं निकला मैंने ध्यान नहीं दिया और वैसे तो गाड़ी पंचर नहीं थी शायद तभी इतना जल्दी हो गया काम और अभी हम चलते हैं तो लेट्स गो गांव जो कि हमारे जो लेजेंड है शहीद भगत सिंह ये उनका विलेज है आप देख सकते हो यार यार ये उनका विलेज है ना एक्चुअली ना गल बात इसी आप थके तो आए क्योंकि एक तो आप बाइक भजाइया नहीं है दूजी गल ये कि जो रूट से ना ये काफ़ी थोड़ा जहा कंजस्टेड जहाँ करके आप भजाइया नहीं है बाइक्स तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शहीद भगत सिंह जी के जो जद्दी घर है आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप चेक करो यार एरिया ये पार्क यार जद्दी घर का मतलब होता है कि जहाँ पर वो रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जीवन काटा है जो उनका घर है उसको हम जद्दी घर बोलते हैं तो यार चेक करो और ये लोकेशन इतनी ज़्यादा सुंदर है ना एक्चुअली ये खटकर कला जो विलेज है ये उसके इंटरनल जो एरिया वहाँ की ये लोकेशन है एक बुरी चेक करो यार पार्क कितना सुंदर बनाया हुआ है और सभी यहाँ पर घूम रहे हैं ये सामने जो है उनका घर है और ये सभी बाइक्स हमारी खड़ी हैं यहाँ पे हेलमेट्स वगैरह रखे हैं हमने इतने रख दे हमें तो इधर पर रख दे जैकेट में मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ यार उस टाइम की जो लाइफ थी वो कैसे थी ठीक है ये एक एक जो ईंट लगी है ना ये देख लो एक एक ईंट जो उस टाइम की है भगत सिंह जी के टाइम की और यहाँ पर हमने अपनी बाइक्स पार्क की हैं ये सारा एरिया उनका है और सभी इंजॉय कर रहे हैं हाँ वो इट्टा पतली है देखो यार चेक करो यार मेरे को तो ना उस टाइम का मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ यार कि उस वो टाइम कैसा होगा है ना मतलब उस मैं मतलब इमेजिन बंदा करता ही यार उस टाइम मतलब किद्दत हो गया सब कुछ आ इट्टा वगैरह लगी हुई हैं सारियाँ उस टाइम का है ना इतने भगत सिंह जी रहते होंगे सी चला तो अभी मैं आपको पार्क दिखाता हूँ पूरा तो
एक ही दिक्कत है, गर्मी बहुत है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा आ रही है। भूख लगी है बकरी। पंजाबी यार, पंजाबी बंदे तो मिक्स हो जाती पंजाबी। चलो फोटो शूट के लिए बताया भैया ने। आयो आयो, कुछ भाई हमारे पीछे रह गए थे, फाइनली पहुंच गए लद्दाख करके। तो ऐसा है कुछ लाइनअप। तो गाइस अभी हम आए हैं पटवारी ढाबा जो कि फगवाड़ा में पड़ता है, और अभी यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और कुछ भाई हमारे पीछे रह गए थे, इनके अकॉर्डिंग फाटक लग गया था रस्ते में। क्या हुआ यार? असी ना, अच्छा सानू सी गए शायद रास्ता नहीं है थोड़ा यार। अच्छा असी पुराने रास्ते ते चले गए, जदों वापस आए ते उत्थे फाटक लग गया ना, ओदे करके असी रह गए। चलो कोई पूरे बहुत ठीक है, पर जिन्ने ग्रुप च मैसेज पे सी उन्ने नहीं आए। तो गाइस अभी हम मेरी हालत देख सकते हो, कितना पसीना है यार, कितना ह्यूमिडिटी हो रही है। एक्चुअली ये मौसम ही ऐसा है, और रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और देखते हैं यार। एक ना बंदे ने पूछा कि ढाबा खुला है, पहला कहता नहीं, फिर तो पूछा कहता पता नहीं, साला इतने खड़ा आया सीगा, ढाबे का ही बंदा सीगा वो। फिर बाद चो अंदरों बंदा बोलता है, कहता साले तूने कैसे बोल दिया बंद है, खुला हुआ है। वो भजदा है, कहता भाई चलो चलो अंदर, खुला हुआ ढाबा। ऐसा है कुछ अंदर से। काफी अच्छा ढाबा यार, चेक कर सकते हो। अजकल यार ढाबे भी ना रेस्टोरेंट वर्गे बन गए हुए है ना, ट्रेंड चल रहा है ढाबे नूं रेस्टोरेंट वांगू कन्वर्ट करता है इन्होंने, है ना। बहुत गर्मी लग रही है, मसी मसी सांस आई है। और अभी सभी फ्रेश हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और चेक करो बाबे बाथरूम का ब्लॉग। आकड़ दी है भरावा। अभी यहाँ पर हम ब्लॉग बंद कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ब्लॉग बंद कर देते हैं अभी यहाँ पे। आया सागर आया कोई। तो सागर अब जल्दी कर, ठीक है ना यार, ठीक है। आज छुट्टी मारो यार, अमित तो लगे अपना कार्यक्रम करना, आज खत्म नहीं होया। तो यार अभी सभी डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या खाना है, फिर करेंगे। तो अभी डिसाइड करो, सभी ने परांठा ऑर्डर किया, पनीर भी बनाओ, बहुत कुछ बनाओ, सभी ने परांठा ऑर्डर किया, बस जल्दी आ रहा है हमारा ऑर्डर। अमित तो ने अज जिगरा रख के परांठे खा रहा है, टेंशन है मेडिकल तो डॉक्टर नाल ही तेरे। तो भाई परौंठे आ चुके ने। सो गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है, भाजी खाली प्लेट लगे हुए झाड़न। दो साल बाद आफ्टर टू इयर्स चेक करो बाबू, ही इज ईटिंग द व्हीट, लेट्स सी द रिजल्ट। एक मेनू ही पा दे, मेरी मिठी लस्सी आ चुकी है। लस्सी का अंदर लोग इसको डाल लग रही है, फ्रिज कट के लग गई है। तो मान ली गए हम जा रहे हैं घर, और सभी गेयर अप हो रहे हैं। कितना लग गया ब्रेकफास्ट? बढ़िया थी। चलो और अभी हम जा रहे हैं घर अपने।
और यहाँ पर अभी पेमेंट ले रहे हैं, काउंट ही चल रही है। भाई कहते जब तक पेमेंट नहीं करके बाहर नहीं जाने देना। चलो तो अभी जाने घर, और मौसम भी काफी अच्छा हो चुका है यार। देखो तो ये है कुछ लोकेशन, पटवारी वैष्णो ढाबा, और यहाँ पर क्रॉसिंग। तो यार ऐसा था कुछ आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंजॉय।